हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में व्याकरण खंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर गीत का छंद लेकर आए हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। यह आपके परीक्षा में 4 नंबर का आता है और परिभाषा और उदाहरण सहित लिखने के लिए आता है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल में व्याकरण खंड के मोस्ट क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं। और आपकी जो भी कक्षा में नई नई जानकारी रहती है 9वीं से 12वीं तक का, हम अपने चैनल में डालते रहते हैं। आज हम बात करेंगे हरि गीत का की आज परिभाषा क्या है, इसमें क्या होता है। 4 चरण होते हैं। अब दोस्तों बताते हैं 4 चरण होते किस तरह। एक क्या होता है, एक चरण कहाँ तक माना जाता है, कौमा तक माना जाता है, और फिर यहाँ से क्या होता है, दूसरा चरण। इस तरह 3 और 4, मतलब इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में क्या होता है, 28 क्या होती है, मात्राएं होती है। 28 यानी एक चरण में, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, है ना। और इसमें 16 और 12 मात्राओं पर क्या होता है, यति होती है। और चरण के अंत में क्या होता है, लघु एवं गुरु का होना आवश्यक होता है। इसी का कहते हैं हरि गीत का कहते हैं। इसमें क्या बोला, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी पहले क्या होता है 16 होता है और फिर यति के बाद क्या होता है 12 होते हैं, यानी कुल मिला के एक चरण में कितने हो गए, 28 मात्राएं होती हैं। अब बता दें इसका वो क्या उदाहरण क्या है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसमें कितने हो गए, पहले चरण में 16 मात्राएं और दूसरे चरण में 12 यानी 28। इसमें भी क्या है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसमें भी पहले चरण में कितने हैं, 16 और दूसरे चरण में 12 मात्राएं, यानी कुल मिला के 28 मात्राएं होती हैं। इसमें क्या होता है, 4 चरण होते हैं और 28, मतलब एक चरण में कितने होते हैं, 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है, यानी 16 + 12 कितने होता है, 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु एवं गुरु का होना आवश्यक, इसे कहते हैं हरि गीत का कहते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।